तिरोई की सब्जी ना किसी को भी पसंद नहीं आती, अक्सर बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं। पर आज जिस तरीके से हमने ये सब्जी बनाई है, अगर आपने इस तरीके से अपने घरों में सब्जी बना ली ना, तो यकीन मानिए आपके घर के बच्चे हो या बूढ़े, दोनों ही बड़े ही प्यार से सब्जी को खाएंगे, क्योंकि ये सब्जी बनाई ही कुछ अलग तरीके और खास तरीके से। और सबसे बड़ी चीज कि हमने जो ये तिरोई यूज किया है बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक है, खेतों वाले मार्केट वाले बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिना दवा वाला ये सब्जी है। तो इस सब्जी को, हम ऑर्गेनिक सब्जी का स्वाद क्या होता है आज हम लेते हैं। तो पहले हमें इसको आगे और पीछे को काटना होगा, मतलब हेड और टेल, और इसे हमें बढ़िया तरीके से छिलना होगा, बिल्कुल पतले छिलके वाले छिलके से अच्छे से छिल लेंगे। तो पहले हमें आगे का हेड और टेल को अच्छे तरीके से काटेंगे, और काटने से पहले आप तिरोई को बढ़िया तरीके से धो ले, धोने के बाद ही इसको काटें, और काटने के बाद एक छिलनी ले, और जो छिलनी से पतले छिलके निकलने वाले होते हैं ना, वही छिलनी यूज करें, क्योंकि हमें ज़्यादा मोटे गुड्डे बिल्कुल नहीं हटाने, बस पतली सी एक लेयर हटानी है, ताकि जब हम सब्जी बनाएं तो खसखसपन बिल्कुल ना आए इस सब्जी के अंदर। अच्छी तरीके से हमें छिलना होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और सारी तिरो यानी कि नेनुआ को बिल्कुल इसी तरीके से हम छिल कर रख लेंगे। तो ये सब्जी है ना, अक्सर घरों में बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है, इसलिए अक्सर लोगों को जल्दी पसंद नहीं आती। हाँ, एक दो बार खा ले, पर अगर बार बार ये सब्जी मिल जाए ना, तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस सब्जी को बिल्कुल ही अलग तरीके से और अलग टेस्ट में बनाया जाए, ताकि आप जो वेज वाले हैं ना, वो भी इन सब्जी को बड़े प्यार से आनंद लेकर खा सके। और अक्सर उनको ये शिकायत होती है कि हम वेज में एक्स्ट्रा क्या बनाए, और पनीर और मशरूम के अलावा और भी हम क्या बना सकते हैं। तो आप नॉर्मल सब्जी को भी इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाएंगे ना, तो स्वाद एक नंबर का आने वाला है। तो सारी तिरोई को अच्छी तरीके से छिलना होगा, और जो तिरोई होते हैं ना, आप कोशिश करें कि जो पतली पतली जो तिरोई मिलती है ना मार्केट में, अगर आपको गांव में है तो गांव में आपको तिरोई बड़ी आसानी से मिल जाएगी खेतों में, पर अगर आप शहर के अंदर है तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि तिरोई को पतली पतली ले, और फ्रेश तिरोई ले, सब्जी आपकी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तिरोई को बिल्कुल इस तरीके से काटना होगा आपको बढ़िया तरीके से, और इसी तरीके से हम इसको भी सारे तिरोई को हम बिल्कुल काट के रख लेंगे प्लेट के अंदर। और एक अच्छी सी कढ़ाही लेंगे, नॉनस्टिक वाले ले, लोहे की कढ़ाही ले ले, जो आपके पास है वो आप कढ़ाई लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, गर्म होने के बाद थोड़ी सी जीरा डाल के अच्छे से चटकारे लगा लीजिए, और जब चटकारे लगने शुरू हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा हींग डाल दीजिए, एक चुटकी भर हींग डालिए, हींग का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, इसलिए हींग जरूर डालें, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता जरूर इसके अंदर डालें, कड़ी और हींग, कड़ी पत्ता और हींग से बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लेवर आते हैं। फिर चॉप किया हुआ हमने दो प्याज मीडियम साइज़ के यूज किया है, और अच्छे तरीके से इसको डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़े से इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। जब तक प्याज हमारा भुनाता है, क्यों ना हम मसाला का यानी ग्रेवी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ग्रेवी का प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, बस एक मिक्सर का जार चाहिए, और उसमें हम डाल रहे हैं 3 टमाटर। अगर आपके पास टमाटर मीडियम साइज़ के हो तो आप 2 डालें, अगर छोटे हो तो 3 डालें, और 2 या 3 हरी मिर्च, और साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और थोड़े से धनिया पत्ता का जो पीछे वाले रूट होते हैं ना वो डालें। होटल्स में अक्सर ये रूट ही डालते हैं, और जो फ्लेवर बहुत ही अट्रैक्टिव आने लगते हैं। तो थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, 1 चम्मच बेसन जरूर डालें। जो बेसन है ना, ये इस सब्जी की जान है, तो बेसन जरूर डालें, बिल्कुल ना भूलें। और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरीके से उसको पेस्ट बना लें, और थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग ये लहसुन को चॉप करके प्याज के अंदर डालें, और अच्छे से उसको भी भुनना शुरू कर दें। जब आपका प्याज भुनाने लग जाए तो इसके अंदर 1 चम्मच से भी कम थोड़ा सा हल्दी डाल दें, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा कलर अट्रैक्टिव और बढ़िया दिखने के लिए ना आप इसमें कश्मीरी मिर्च यूज कर सकते हैं, अगर आपके आप डालना चाहें तो, ऐसे ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपको अट्रैक्टिव लुक लाना है, थोड़ा लगे कि हाँ थोड़ा सा अच्छे लुक आए, होटल की जैसे सब्जी लगे, तो आप इसके अंदर कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और फिर जो आपने ग्रेवी बनाई थी ना पेस्ट, उसको आप डालें और अच्छी तरीके से भुनना शुरू कर दें, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करें इसके।
और जो थोड़ा सा जो जार में मसाले बच गए थे उसको घोलकर हम अच्छे से सारे मसाले निकाल लेंगे, मसाले भी पड़ गए और पानी भी पड़ गई, तो अच्छे से सबको मिलाएंगे। और मिलाने के बाद हमें क्या करना है, बस इसको ढककर पकाने हैं और बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। ये सब ये मसाले को भूनने में कम से कम आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। 10 से 12 मिनट में आपके मसाले बिल्कुल भून जाएंगे। तो मसाले को ढक ढक कर बीच बीच में बस चलाते रहें, दो दो एक एक मिनट पर चलाते रहें। तो मसाले आपके दिख रहे हैं कितने अट्रैक्टिव हो, कितने यम्मी दिख रहे हैं मसालों से। आप देखिए कि आपकी सब्जी कैसी बनने वाली, आप सोच रहे हैं सब्जी आपकी नीनुआ यानी तिरोई की सब्जी आपकी बन रही है बिल्कुल 5-स्टार होटल वाले सब्जियों की तरह। तो अब बस इसके अंदर आप तिरोई को सारे डाल ले और बढ़िया तरीके से मिला ले ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए। थोड़ा सा एक चम्मच स्वाद अनुसार अपना नमक डाल ले और इस टाइमिंग पे इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपकी तिरोई ऑलरेडी पानी छोड़ने वाली है, रिलीज करेगी, तो पानी बिल्कुल ना डालें। और अब देखिए आपकी सब्जी कैसी हो गई है। तो बस सब्जी को आपको 10 मिनट तक पकाने हैं बीच बीच में चलाते चलाते और आपकी जो सब्जी है ना बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और तिरोई की सब्जी बहुत ही जल्दी तैयार होती है, बहुत जल्दी गलती, देख रहे कितनी प्यारी गली हुई है, इतने अच्छे गलते हैं ना कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। बस थोड़ा सा इसके अंदर चिकन मसाला डाल ले और थोड़ी सी गरम मसाला डाल ले और साथ ही कसूरी मेथी बिल्कुल ना भूले। कसूरी मेथी को अगर आप थोड़ा सा रोस्ट करके डालते हैं ना तो स्वाद 2 नंबर और आगे चल जाने वाला है। अगर आप बिना रोस्ट के भी डालते तो भी स्वाद आएगा, पर कोशिश करें कि आप कसूरी मेथी को हल्की सी रोस्ट करके फिर यूज करें और साथ में ऊपर से धनिया पत्ता डालें और 2 मिनट के लिए आप वापस इस पर कवर लगा दें और फ्लेम को हाई करें ताकि आपके जो मसाले जो आपने डाले हैं ना गरम मसाले चिकन मसाले वो अपना फ्लेवर तुरंत छोड़े। और देख सकते हैं अभी कलर, आपकी सब्जी की कलर देख रहे हैं कैसी आई हुई है, बिल्कुल अट्रैक्टिव, बिल्कुल 5-स्टार होटल जैसे कि आप पनीर की सब्जी बना रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से आपकी ये सब्जी बनी हुई है। और यकीन मानिए अगर आप इस तिरोई की सब्जी को अगर इस मौसम में बनाते हैं क्योंकि यही एक मौसम है जिसमें तिरोई की सब्जियाँ बनाई जाती है और तिरोई अच्छे वाले मिलते हैं इस मौसम में, अगर बनाते हैं तो आपके सब्जियों पे चांद चांद लग जाने वाले हैं। तो इस रेसिपी को आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ खाना हो आप खा, जिससे मन उससे मन आप खा सकते हैं, जैसे खाना चाहें वैसे आप खा सकते हैं, सब्जी के स्वाद बिल्कुल 1 नंबर लगने वाली है। तो फटाफट से सब्जी बनाएं और बनाने के बाद इस पर थोड़ा सा आप फ्रेश क्रीम डालें। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया का छिड़काव करें, थोड़ी सी गार्निशिंग करें कड़ी पत्ता से। आपकी रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार है और इस मौसम और इस टाइमिंग पे अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो यकीन मानिए आपके घरों में जैसे कि हमने कहा बच्चे हो या बूढ़े दोनों ही बड़े प्यार से खाएंगे। तो फटाफट ये रेसिपी बनाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लें यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।